हे दोस्तों, अगर आप 15,000 के अंदर सबसे बेस्ट में बेस्ट फोन खोज रहे हैं, यानी कि आपको एकदम आपकी जो नीड है, यानी कि हर एक चीज को मैंने ध्यान में रखते हुए 15,000 के अंदर बेस्ट में बेस्ट फोन 6 फोन फिल्टर किए हैं, जो मेरे को लगता है कि बहुत मेहनत से एक एक बारी की चीज को मैंने ध्यान में रखते हुए इन फोन को फिल्टर किया। जैसे कि आपको ड्यूएल 4G सपोर्ट मिले या फिर आपको अच्छा कैमरा मिले, हर चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये 6 फोन सिलेक्ट किए हैं, जो मैंने पूरी फ्लिपकार्ट और अमेजोन की सेल को खंगोल के इस फोन को सिलेक्ट किया है। तो बहुत मेहनत से मैंने 6 फोन जो लिस्ट किए आपको बताता हूं एक एक करके, अगर बेस्ट 15,000 के अंदर आपको फोन चाहिए तो यहां पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों सबसे लेटेस्ट ट्रेंड और आपको बेसिक जो आपकी नीड पूरी करता है। तो पहले नंबर पे 15,000 के अंदर जो फोन आता है दोस्तों वो है Realme का XT। ये फोन की कुछ खासियत है जो आपको बताऊंगा। थोड़ा दोस्तों वीडियो अगर लंबा हो जाए तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैंने एक एक फोन की बारीकी से आपको चीज बताने वाला हूं, इसलिए थोड़ा आप इग्नोर करें अगर लंबा वीडियो हो जाता है तो। ये फोन की दोस्तों कीमत है Realme XT की 15,999 रुपए, जो कि सेल में है। इस पे अगर 10% अगर आप और डिस्काउंट काटेंगे, अगर एक्सिस कार्ड डेबिट क्रेडिट कार्ड है, तो आपको लगभग ये फोन में और लगभग 2,000 का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 14,000 का ये फोन आपको मिलने वाला है। अगर हम बात करें इसकी खासियत, तो यहाँ पे 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज मिलने वाली है। इसमें 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इस फोन की खासियत यह है कि 6.4 इंच की एक सुपर एमोलेड फुल HD प्लस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। यही नहीं, इसकी खासियत यह भी है कि इसमें आपको 4 कैमरे देखने को मिलेंगे, जो अभी तक इस प्राइस में शायद दूसरी कंपनी एक और है जो दे रही है, बाकी और कोई नहीं दे रही है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल सेकेंडरी कैमरा और 22 मेगापिक्सल के ड्यूअल कैमरा और देखने को मिलेंगे, जो मेरे हिसाब से काफी कमाल की बात है। इसमें आपको 16 मेगापिक्सल की एक छोटी सी नॉच के ऊपर सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। 4000 mAh की इसमें आपको बैटरी देखने को मिलेगी। वो चार्ज फास्ट चार्जिंग के साथ ये फोन आता है। स्नैपड्रैगन 712 के साथ ये फोन आता है। और इसकी खासियत यह है कि इस प्राइस में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दूसरी कोई कंपनी नहीं दे रही, Realme XT में देखने को मिलेगी। तो पहले फोन की तो बात रही, दूसरे फोन की अगर हम बात करें जो 15,000 के अंदर एकदम फिट बैठता है और बेस्ट रहेगा आपके लिए अगर आप फोन खोज रहे हैं बढ़िया रैम के साथ और स्टोरेज के साथ, तो यहां पे दूसरा जो फोन है दोस्तों वो है Realme का X। मुझे उम्मीद है सबसे लेटेस्ट ट्रेंड में बहुत ज्यादा चर्चित फोन है। इस प्राइस अगर हम फोन की बात करें तो यह इस सेल में आपको मिलने वाला है 15,999 रुपया का। इसमें आपको 10% और डिस्काउंट काट लेते हैं तो ये फोन में 2,000 और कट कर दे तो लगभग 14,100-14,200 का लगभग फोन पड़ने वाला है, यानी कि 15,000 के अंदर ये भी आ ही जाएगा। इस फोन की अगर खासियत की बात करें तो इसमें आपको स्टोरेज ज्यादा मिलती है। इसमें 4GB की रैम मिलेगी 14,000 में और 128GB की स्टोरेज मिलेगी, जबकि Realme XT में 128GB स्टोरेज नहीं थी 15,000 के अंदर। इसमें आपको खासियत यह है कि 6.5 इंच की इसमें आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी, फुल HD प्लस सुपर एमोलेड। इसमें आपको कैमरे लेकिन दो ही मिलेंगे 48+5 मेगापिक्सल का, लेकिन एक है आपको लेटेस्ट जो ट्रेंड है पॉपअप सेल्फी कैमरा का, वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि मुझे उम्मीद है पहला फोन है जो आपको दे रहा है। एक फोन और है जो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें आपको बैटरी थोड़ी कमजोर मिलेगी, 3700 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। स्नैपड्रैगन का 710 प्रोसेसर देखने को मिलेगा ऑक्टाकोर 2.2 GHz पे, और यह है कि इस पे भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलने वाली है। तो ये फोन की जो हाईलाइट है, दोनों फोन सबसे लेटेस्ट है और अभी सबसे ज्यादा मार्केट में चर्चित है Realme की तरफ से। नेक्स्ट अगर हम दोस्तों बात करें तो फोन थोड़ा पुराना है लेकिन आपके नीड को एकदम बढ़िया से फोकस करेगा। अगला फोन है Vivo का Z1X। वैसे मैंने बहुत रिसर्च के बाद इस फोन को निकाला है, वरना मेरे ध्यान में ये फोन नहीं था। इस फोन की खासियत यह है कि दोस्तों वैसे फोन आपको सेल में मिल रहा है 14,990 रुपए, यानी कि 15,000 रुपए, लेकिन इस पे एक खासियत यह है कि अगर आप कोई भी कार्ड यूज करेंगे, यानी कि डेबिट क्रेडिट कार्ड, तो इसमें आपको 2,000 रुपए का और डिस्काउंट मिलेगा। तो इस फोन में और 2,000 कट कर देता है तो ये फोन की कीमत मात्र 12,000 पे होने वाली है। और 12,000 में आपको दे क्या रहा है, बहुत कुछ। 6GB की रैम, 64GB की स्टोरेज, जो कि अभी तक आपने देखा पिछले दो फोन में 6GB की रैम नहीं थी 15,000 के अंदर। इसमें आपको लगभग 6.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 6.3 इंच की फुल HD प्लस। इसमें आपको कैमरे तीन देखने को मिलेंगे, 48 का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी और थर्ड जो है 2 मेगापिक्सल का। इसमें यह है कि मैं आपको नॉच देखने को मिलेगी 32 मेगापिक्सल की कैमरे के साथ। बैटरी ठीक ठाक है, इसमें 4500 mAh की बैटरी है। एक अच्छी बात यह है कि यह फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। स्नैपड्रैगन का 712 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि इसकी खासियत है, क्योंकि आपने देखा रियलमी X 710 के साथ ही आता है, 712 इसमें आपको मिल रहा है Vivo के Z1X में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दोस्तों ये भी मेरे फोन बहुत ही मैंने रिसर्च के बाद मेरे को फाइनली ये फोन मिला, जिसकी खासियत बहुत ही ज्यादा है। यह है ओप्पो का F11 प्रो। जी हाँ दोस्तों, फोन वैसे थोड़ा पुराना हो चुका है लेकिन आज ये डिस्काउंट मिल रहा है और इस प्राइस में ये फोन मेरे को लगता है काफी कमाल का है। इस फोन की खासियत की बात करते हैं दोस्तों, ये फोन की प्राइस है 14,990। वैसे 10% और डिस्काउंट काट लेते हैं तो ये फोन की प्राइस आपको लगभग 13,000 कुछ रुपए हो जाएगी, लगभग अंडर 15,000 ये भी आ जाएगा 15,000 के अंदर। फोन की खासियत है कि 6GB की रैम, 64GB की स्टोरेज मिलती है, एक्सपेंडेबल 256GB तक है, 6.5 इंच की डिस्प्ले, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली देखने को मिलेगी, दो कैमरे देखने को मिलेंगे 48+5 मेगापिक्सल के, और आपको सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का एक
पॉपअप सेल्फी कैमरा, यानी कि वही जो आपको रियलमी एक्स में पॉपअप सेल्फी कैमरा है, ये आपको 13,000 में देने वाला है पॉपअप सेल्फी कैमरा, जो काफी कमाल की बात है। 4,000 mAh की काफी बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, साथ में फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी और मीडियाटेक का काफी पावरफुल P70 देखने को मिलेगा, जो कि एक ऑक्टा कोर 2.1 GHz पे क्लॉक करता है। तो वैसे देखा जाए तो ओप्पो F11 Pro थोड़ा पुराना है, लेकिन आज इस प्राइस में मिल रहा है, मेरे को लगता है 13,000 में इससे बेस्ट फोन आपको मिलेगा पॉपअप सेल्फी कैमरे के साथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दोस्तों वीवो का V15, ये वैसे थोड़ा पुराना हो चुका है क्योंकि अभी वीवो V17 सबसे लेटेस्ट है, लेकिन वीवो V15 आपको काफी कमाल की प्राइसिंग पे काफी कमाल की फीचर्स दे रहा है। आगे सुनते हैं क्या है। ये फोन की प्राइस वैसे 15,990 रुपया है, ये आपको 10% और डिस्काउंट काट ले तो लगभग 14,000 कुछ रुपया इसकी प्राइस बनेगी। फोन की हाईलाइट ये है कि 6/64 आपको रैम स्टोरेज दे रहा है, यानी कि 6 GB रैम 64 GB की स्टोरेज दे रहा है। 6.5 इंच की डिस्प्ले है फुल HD प्लस। कैमरे इसमें आपको 3 मिलेंगे पीछे में, 12+5+8 और 32 MP का पॉपअप सेल्फी कैमरा यानी कि मिलेगा, यानी कि पॉपअप सेल्फी कैमरा इसमें भी आपको मिलेगा 32 MP का। बाकी दो फोन में आपको नहीं थे 32 MP जो पॉपअप सेल्फी कैमरा थे, लेकिन इसमें आपको 14,000 में 32 MP का पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलेगा, जो मेरे को सबसे कमाल लगे इसलिए मैंने इस लिस्ट में शामिल किया है। 4,000 mAh की बैटरी मिलेगी दोस्तों और हीलियो का वही प्रोसेसर काफी पावरफुल P70 देखने को मिलने वाला है। इसके अगर नेक्स्ट फोन की बात करें, जो फाइनल फोन है हमारा, वो है वीवो का Z1 Pro। फोन की प्राइस इतनी ज्यादा ड्रॉप की गई है, मेरे को उम्मीद नहीं थी इतनी कम होगी। इसमें आपको 13,000 का फोन है, जिसमें आप 10% और डिस्काउंट काट लेते लगभग आपको 11,000 कुछ का ये फोन पड़ेगा। फोन की हाईलाइट ये है कि 4/64 इसमें आपको वेरिएंट है 11,000 में, जो कि आपको 256 GB तक एक्सपेंड हो सकता है। 6.5 इंच की डिस्प्ले है फुल HD प्लस। कैमरे इसमें आपको 3 मिलेंगे, 16 MP का प्राइमरी, सेकेंडरी 8 MP का और 2 MP का लास्ट कैमरा। लेकिन सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि आपको 32 MP का पंच होल डिस्प्ले के साथ ये फोन आता है, यानी कि सबसे आपको लेटेस्ट रहेगा और एकदम अलग हटके आपका फोन रहेगा अगर आप ये फोन लेते हैं, क्योंकि पंच होल आपको 13-14,000 में कोई कंपनी अभी नहीं दे रही। तो मेरे को इसलिए मैंने इस लिस्ट में शामिल किया, क्योंकि न्यू ट्रेंड आपको इसमें मिलेगा। और 5,000 mAh इसमें आपको बैटरी देखने को मिलेगी और स्नैपड्रैगन का 712 प्रोसेसर देखने को मिलेगा और फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों कुछ 6 फोन थे जिनमें से आप किसी भी एक को ले सकते हैं। मैंने इसमें आपको रैम पे ही फोकस किया है, अच्छी बैटरी पे भी फोकस किया है, आपको लेटेस्ट ट्रेंड जैसे कि पॉपअप सेल्फी कैमरा हो या फिर पंच होल कैमरा हो, ये भी इस पे ही फोकस किया है। तो ये सब सभी चीज को मैंने ध्यान में रखते हुए इसको लिया। अगर आप अच्छा रैम चाहते हैं तो इसमें से भी आपके लिए एक है फोन। अगर अच्छा लेटेस्ट आपको डिजाइन चाहिए जैसे पॉपअप हो या फिर पंच होल डिस्प्ले हो, तो इसमें भी आपको मिल जाएगा। यानी कि आपकी हर बेसिक नीड को मैंने ध्यान में रखते हुए कुछ 6 फोन सिलेक्ट किया है, जो बहुत ज्यादा फिल्टर करने के बाद ये 6 फोन मिले। वैसे बहुत सारे फोन है, लेकिन आप सबको इग्नोर करके इन 6 में से कोई एक फोन ले सकते हो अगर आपका बजट 15,000 है। वैसे 10,000 के अंदर बजट आपका है या फिर 7,000 के अंदर फोन आपको लेना है, उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। वैसे अगर वीडियो पसंद है जरूर से दोस्तों वीडियो लाइक करिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहे और लेटेस्ट डील्स ऑफर्स की जानकारी के लिए फॉलो करके बेल आइकन दबा ले, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।